डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं रीना मिश्रा आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाऊंगी। कभी ये जो है पहला लेसन है आपका शोरदास। शोरदास का की जो रचना है वो है पद। मैं जो है आज इनके पद को पढ़ाकर इसके अर्थ को समझाऊंगी। तो चलिए जो है पहले जानते हैं कि इस पद में बताया क्या गया है। बेटा जो श्री कृष्ण की जो भी भक्ति भावना थी वो शिवदास में कूट कूट के भरी हुई थी। तो उन्होंने उनके बाल लीला का, विरह और वत्सल का बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने शिवदास जी ने किया है। और इनका जो पहला पद है इसमें इन्होंने ईश्वर की वंदना की है और कहा है कि जो है यदि आपकी कृपा किसी पर भी, किसी व्यक्ति पर भी हो जाए तो वह व्यक्ति असंभव कार्य को भी संपूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। तो चलिए आगे पढ़ के हम आपको समझाते हैं। चरण कमल कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप जो आपके जो कमल रूपी चरण हैं, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो मीन्स होता है वंदना, हरिराई मीन्स होता है श्री कृष्ण। हे प्रभु, मैं आपके चरण जो हैं कमल रूपी, उन चरणों की वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से यदि आपकी कृपा लंगड़े पर भी हो जाती है तो वो भी पर्वत लांग सकता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लांग है, जिसकी कृपा से लंगड़ा, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, गिर मीन्स होता है पहाड़, लंग है लांघना, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांग सकता है। अंधों को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यदि आपकी कृपा अंधे पर भी हो गई तो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने और हे प्रभु, यदि आपकी कृपा बहरे पर भी हो गई, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको बहरा बोला जाता है, यदि आपकी कृपा बहरे पर भी हो गई तो उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले और यदि व्यक्ति गूंगा है और यदि आपकी कृपा उस पर हो गई तो वह व्यक्ति जन्म जन्म का गूंगा होने पर भी वो बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मीन्स होता है गरीब, भिखारी, और जो भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर छत्र धराई, अरे उसके पास जो है एक छत्र राज्य उसको प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे करुणा निधान स्वामी, बार बार बंदो तिह पाई, मैं बार बार आपकी वंदना, उन चरणों की मैं वंदना बार बार मैं करता हूँ। मैं आपके जो है हर जन्म में मैं आपकी ही पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपकी ही शरण में रहना चाहता हूँ। इस प्रकार बेटा ये आपका पहला पद समाप्त हो गया। अब चलिए जो है दूसरा पद अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।